हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी इन फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ का। इससे पहले हमने 40 वीडियो देख ली है, तो ये हमारा एक नया पार्ट रहेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं NTA NET असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT के अंदर, उसको इन 10 पार्ट्स के अंदर हम देखेंगे, और कोटेशंस जो पूछी जाती है उसको भी इन 10 पार्ट्स के अंदर हम कवर करेंगे, 10 लेक्चर्स के अंदर उनको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेड इन इंडिया इंजन रहित ट्रेन जिसे हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, उसका नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कोरोना काल के दौरान एक वंदे भारत अभियान शुरू किया गया था, वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन था एयर फ्लाइट से रिलेटेड, जितनी भी आपकी फ्लाइट्स थी, ठीक है, एयर फ्लाइट से रिलेटेड था वंदे भारत मिशन। लेकिन यहाँ पे है वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये है इंडिया की सेल्फ मेड बिना इंजन रहित ये ट्रेन है। जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण कोटा प्रदान किया जाएगा। यह संविधान का 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, जो कि 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ। तो आपने देखा होगा जो हमारा ये सेशन था, अक्टूबर वाला सेशन, उसके अंदर नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया, तो एग्जैक्ट डेट पूछी थी। तो हो सकता है आपसे EWS को कब ये बिल मंजूरी प्रदान की गई, तो वो पूछा जा सकता है। तो ये है 14 जनवरी 2019। गुजरात सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर यानी EVS के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य था गुजरात। और बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो पेपर वन से भी ये रिलेटेड है और पेपर टू में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हिमाचल नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला रेल और परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, ये स्थापित किया गया है वडोदरा में, और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वडोदरा के अंदर है इंडिया का पहला रेल परिवहन विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। भारत ने हाल ही में ईरान में चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का कार्य संभाला, ठीक है, कार्य का संचालन उसने संभाला। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, तो चाबहार बंदरगाह है ईरान के अंदर, ठीक है, ईरान के अंदर। और भारत इस चाबहार पोर्ट के अंदर क्या कर रहा है, अपना सैनिक अड्डा बना रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अड्डा रहने वाला है कूटनीति के हिसाब से, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि चाबहार बंदरगाह किन दो देशों के बीच मित्रता को बढ़ाएगा, तो ईरान एंड इंडिया के बीच। सुधीर भार्गव को भारत का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं सुधीर भार्गव। सिक्किम अपने राज्य के लोगों के लिए एक परिवार एक नौकरी कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सिक्किम के अंदर एक व्यक्ति एक नौकरी, ठीक है, एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति को नौकरी मिलना अनिवार्य है, इस तरीके की पॉलिसी लागू की गई है सिक्किम के अंदर। सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है नेट के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर PGT TGT के अंदर ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना इस तरीके की रहती है। विश्व आर्थिक मंच
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 की वार्षिक बैठक हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अंदर भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ये पहली महिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गीता गोपीनाथ पहली मुख्य अर्थशास्त्री बनी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। भारत ने पाकिस्तान से आयातित सभी सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया है और पुलवामा आतंकी हमले के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। सुशील चंद्र को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये चुनाव आयुक्त है, मुख्य नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। सुशील चंद्र को क्या है, भारत के चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है सुशील चंद्र। नई दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया गया है, तो साइबर सिक्योरिटी एक अलग से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर लगा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी है, तो उससे रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर बन जाता है कि इंडिया का पहला नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ पे शुरू की गई है, न्यू दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर ऑफ राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब न्यू दिल्ली में है। पुस्तक द थर्ड पिलर के लेखक है रघुराम राजन, तो थर्ड पिलर किसने लिखी है, रघुराम राजन ने। भारत का विचार भारत का उद्धार पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लेटेस्ट पुस्तक है, ये पी चिदंबरम ने लिखी है भारत का विचार और भारत का उद्धार। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2019 का विषय था अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग आवर प्रॉमिस, यानी 2030 के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमने लक्ष्य रखा है, जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं, जो टारगेट रखा है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या है वचनबद्ध, ये रखी थी थीम। मिशन शक्ति के तहत भारतीय वैज्ञानिकों ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए सेट के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में एक जीवित उपग्रह को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और धरती पर लाया गया है। इस मिशन की सफलता के बाद भारत चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम और भारत की अंतर्राष्ट्रीय विश्व के अंदर स्थिति, ठीक है। तो भारत ने क्या किया है, एक मिशन शक्ति लॉन्च किया है और ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली लास्ट ईयर पूछा गया था कि व्हाट इज़ मिशन शक्ति, पेपर वन में ये क्वेश्चन आया था कि मिशन शक्ति क्या है, ठीक है। मिशन शक्ति क्या है, ये एक तरीके से एंटी सैटेलाइट मिसाइल कार्यक्रम है। ये क्या करता है, यहाँ से क्या है, हम एक मिसाइल को दागेंगे और अंतरिक्ष के अंदर कोई अगर सैटेलाइट है उसको हम पृथ्वी पे बैठ के ही उसको निशाना बना के उसको गिरा सकते हैं, तो इसके द्वारा हम चौथी महाशक्ति बन गए हैं अंतरिक्ष के अंदर। करतारपुर कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर जिले को पाकिस्तान से कनेक्ट करेगा, तो करतारपुर कॉरिडोर डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि करतारपुर कॉरिडोर कहां पे है, तो करतारपुर कॉरिडोर आपका है, ये आपका गुजरात है, गुजरात से ऊपर ही आपका यहाँ पे पंजाब पड़ता है। ये क्या करेगा, पंजाब के गुरदासपुर जिले को पाकिस्तान से ये जोड़ेगा, तो भारत का जो पंजाब का गुरदासपुर इलाका है उसको पाकिस्तान से जोड़ने का करतारपुर कॉरिडोर के द्वारा क्या है लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तो पिनाकी चंद्र घोष के बारे में क्वेश्चन ये कई बार कई एग्जाम्स में अभी रिसेंटली पूछा गया है क्योंकि पहले लोकायुक्त बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। इंडोनेशिया ने
हाल ही में अपनी राजधानी जकार्ता में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, तो वो है जिम्मी कार्टर, 39वें राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। चीन के वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए साइन अप करने वाला इटली G7 का पहला देश बन गया है। तो G7 जो कंट्रीज है उसमें इटली पहला देश बन गया है जिसने चाइना के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को क्या है, स्वीकृति दे दी है कि ये आप बना सकते हैं। भारत इसका विरोध कर रहा है, आपको पता होगा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने सत्ता में लगभग 30 वर्षों तक रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 32 वर्षों तक इस प्रदेश के ये राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। 32 वर्षों तक ये राष्ट्रपति कहाँ के रहे हैं, कजाकिस्तान के। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नूर सुल्तान कहाँ के प्रमुख थे या है। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि कजाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को इन्होंने प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए एक नया प्रस्ताव 2462 पारित किया है। तो ये प्रस्ताव यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पारित करती है। लाइक डीकोलोनाइजेशन से रिलेटेड एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका भी कुछ नाम था, वो पहले आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे ही 2462 एक रेजोल्यूशन है, ये क्या है, आतंकवाद से निपटने के लिए क्या है, शुरू किया है सिक्योरिटी काउंसिल ने, और भारत का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने सिफारिश इसकी यूएनओ में की थी। जापान का नया शाही युग रीवा 1 मई 2019 को शुरू हुआ। जापान के नए सम्राट नारुहितो अपने पिता अकीहितो की जगह औपचारिक रूप से गुलदाउदी सिंहासन पर बैठे। तो आप लोगों को पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जापान में आज भी राजतंत्र है। जिस तरीके का राजतंत्र आप ब्रिटेन के अंदर देखते हैं, उसी तरीके का राजतंत्र क्या है, जापान के अंदर भी है। और जापान में रीवा ये युग है, युद्ध नहीं है, युग एरा, ठीक है। रीवा युग की शुरुआत हो चुकी है 2019 से, ठीक है। और नारुहितो नए सम्राट चुने गए हैं। वैश्विक पृथ्वी दिवस 2019 22 अप्रैल को मनाया गया, जिसका विषय था हमारी रक्षा करें। तो क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पेपर वन में पूछा जा सकता है कि वैश्विक पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ताइवान समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला एशिया का पहला जिला बन चुका है, पहला देश बन चुका है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक टॉपिक लगा है, न्यू सोशल मूवमेंट के तहत क्या है, ये क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि LGBT के जो अधिकार है वो न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर आते हैं। और ताइवान एशिया का पहला देश बन चुका है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2021 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेशन के अंदर क्वेश्चन आया था नेट के अंदर कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, और हैरानी की बात यह है कि 60% से ज़्यादा लोगों ने उसका आंसर गलत दिया, ठीक है। उसका कारण क्या था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका नहीं रहता है, ठीक है। तो जो इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, वो प्रधानमंत्री होते तो डेफिनेटली वो नरेंद्र मोदी थे, लेकिन जो सीईओ इसके हैं अमिताभ कांत। और ये आपका जो नेट का पेपर होना है
तब तक ये ही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होने वाले हैं अमिताभ कांत। G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन ओसाका जापान में किया गया। तो G20 का जो शिखर सम्मेलन है कहाँ पे किया गया? ओसाका जापान के अंदर 2019 के अंदर। तो ये कौन सा सम्मेलन था उसको हम आगे देखते हैं। सामुदायिक भागीदारी के साथ जल संसाधनों के सतत विकास प्रबंधन और उपयोग को प्राप्त करने के लिए मेघालय जल नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जल नीति, वाटर पॉलिसी। तो आपका जो यूनिट टेंथ से ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर पॉलिसी से रिलेटेड एक अलग से आपका आप बोल सकते हैं एक टॉपिक लगा है, ठीक है। तो सामुदायिक भागीदारी के साथ संसाधनों के सतत विकास प्रबंधन के उपयोग को प्राप्त करने के लिए मेघालय जल नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो मेघालय पहला राज्य है जिसने वाटर पॉलिसी लागू की है। ग्रीन पीस एक एनजीओ है, या आप इसे कह सकते हैं एक प्रेशर ग्रुप है ग्रीन पीस। इसके आंकड़ों के अनुसार भारत एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो कोयले के जलने से उत्पन्न होता है और वायु प्रदूषण में बहुत ही बड़ा इसका योगदान रहता है, ठीक है। तो ग्रीन पीस ने कहा है कि भारत क्या है, एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल जीडीपी इंडेक्स 2018 में भारत सातवें स्थान पर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत जीडीपी के मामले में थर्ड कंट्री था 2014 के अंदर, तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में वो पहुंचने वाला था, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी डाउन होती गई और भारत पहुंचा है सातवें स्थान पर। संजय मित्रा समिति का गठन, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्रों में निरीक्षण करने के लिए बनाया गया है। तो आर्टिकल 370 धारा 370 के उपबंधों को हटाए जाने के बाद वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए हैं उनका प्रशासन किस प्रकार का होगा, उसके लिए बनाई गई है संजय मित्रा समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन संजय मित्रा समिति। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की दूसरी विधानसभा की मेज़बानी करेगा। तो नई दिल्ली क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग की मेज़बानी करेगा और ये दूसरी ही आपकी बैठक हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो ये टॉपिक भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन इंडियन फॉरेन पॉलिसी से लगा है। राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के। यूनिसेफ ने हाल ही में 2019 के लिए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 33% भारतीय बच्चे कम वजन के हैं, अंडरवेट है। 117 देशों में ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक 102 रहा, यानी 117 देशों के ऊपर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या है परखा गया और भारत का स्थान बहुत ही बुरी हालत में रहा और 102वां स्थान भारत को मिला है, यानी भारत कह सकते हैं भारत में बहुत ही ज़्यादा लोग भूखे मर रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वाराणसी को भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर माना गया है। तो वाराणसी का उद्धार करने के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि वाराणसी से कौन चुनाव लड़ता है, वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहाँ पे गंगा को भी शुद्ध करने का प्रयास किया था। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वाराणसी सबसे प्रदूषित राज्य शहर बन गया है।
हाल ही में दमन और दीव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दमन और दीव दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में पेश करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है, यानी लोकसभा में यहाँ से चुनाव के चुनाव करके सदस्य भेजे जा सकेंगे, उसके लिए प्रस्ताव लाया गया है। अभी भेजे नहीं जा सकेंगे जब तक उसको लागू नहीं किया गया, अभी तो जस्ट बिल पेश किया गया है लोकसभा के अंदर। जैसे आप देखते हैं दिल्ली से और पुदुचेरी से क्या है, सदस्य लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं, वैसे ही दमन दीव और दादर और नागर हवेली से भी चुने जाने के लिए बिल पेश किया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। जो हमारा 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसका कार्यकाल हो जाएगा 30 अक्टूबर 2020 को, तो इसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। दैट्स मीन 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाना है अभी, तो ये 5 सालों के लिए किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेपाल में भारत के लिए नए राजनीतिक मानचित्र में काला पानी को शामिल करने पर आपत्ति जताई है। तो ये नेपाल ने भारत के नए राजनीतिक मानचित्र में काला पानी को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत ने क्या किया है, भारत ने काला पानी को अपने मानचित्र में शामिल किया है, जिसका नेपाल ने विरोध किया है। और लेकिन यहाँ पे भारत का मत है, काला पानी का जो एरिया है वो उत्तराखंड का भाग है, उधर से नेपाल बोलता है नहीं नहीं ये उत्तराखंड का भाग नहीं, ये नेपाल का भाग है। तो इस तरीके से इसके ऊपर विवाद अभी चला हुआ है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति एक भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण पुणे के सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। 2 दिसंबर 2019 को क्लीन आर्ट ऑपरेशन, जो कि सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जो अवैध व्यापार को रोकने के लिए पहला पैन इंडिया ऑपरेशन है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि क्लीन आर्ट ऑपरेशन क्या है। तो क्लीन आर्ट ऑपरेशन है अवैध व्यापार आप देखते हैं, अवैध व्यापार जो समुद्री मार्ग से होता है, ठीक है, या फिर दूसरे देशों के साथ भूमार्ग से अवैध व्यापार होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ, या फिर इंटरनली जो व्यापार होता है, ठीक है, एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच बिना टैक्सेशन के। तो ये क्या है, पैन इंडिया एक प्रोग्राम है जो कि अवैध व्यापार को रोकने के लिए लागू किया गया, ऑपरेशन क्लीन आर्ट। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2019 एक संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास है, जो 13 से 19 दिसंबर 2019 तक बबीना उत्तर प्रदेश में झांसी के पास, पुणे और गोवा में एक साथ आयोजित किया गया। तो त्रिकोणीय है, ये क्या है, 3 जगह एक साथ चलाया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि आपने पहले के क्वेश्चन देखे होंगे, तो इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आए हैं कि इंदिरा जो सैन्य अभ्यास है ये भारत का किसके साथ है, तो ये है रूस के साथ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट 2019 सूचकांक जारी की है, जो कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, ये आय है, सूचकांकों का एक संयुक्त सांख्यिकीय सूचकांक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 10 दिसंबर 2019 को पूरे विश्व में मानवाधिकार के सशक्तिकरण और मान्यता के लिए मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो ये सभी को पता है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है
मानवाधिकार दिवस, और 2019 का जो विषय था, जो थीम थी, वो थी यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। तो 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, एनटीए नेट के पेपर वन में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि 25वां क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई। अलेक्जेंडर बोरिस डी फाफेल जॉनसन, ये यूनाइटेड किंगडम का आम चुनाव इन्होंने जीता है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटों में से 326 वीटों के आवश्यक बहुमत को पार कर लिया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि बोरिस जॉनसन 2019 में ये प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? प्रधानमंत्री ये बने हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम, और ये है कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें भारत 4 स्थानों नीचे फिसल गया है और लिंग गैप इंडेक्स के अंदर, जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर 112वें स्थान पर रहा, और महिलाओं के स्वास्थ्य और अस्तित्व और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत अंतिम 5 स्थानों पे रहा है। यानी बहुत ही नीचे गिर चुका है इंडिया का स्तर महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं की भागीदारी के मामले में। तो ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019, ये ब्रासिलिया ब्राज़ील में हुआ। तो इससे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी ब्रिक्स के समिट्स को याद करने के लिए, तो ये थी आरबीसी इज ब्रिक्स, तो बी आपने लास्ट में जोड़ लेना है ब्राज़ील के लिए। आरबीसी इज ब्रिक्स भाई, ये आप फॉर्मूला बना सकते हैं। 19वां सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित किया गया। तो 19वां सार्क शिखर सम्मेलन जो पाकिस्तान में होना था, उसे स्थगित किया गया था पुलवामा अटैक, और भारत अलग थलग करना चाहता था, क्योंकि इसलिए ये 19वां सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित किया गया था। 34वां आसियान शिखर सम्मेलन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया, जिसकी थीम थी स्थिरता के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाना। तो आसियान के अभी तक 34 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। सूर्य किरण, तो यहाँ पे मैंने आपको आसानी आपको हो इसलिए मैंने सारे जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं हमारे, जितने भी हमारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यहाँ पे लिख लिए हैं, आप इनको क्रम में याद कर सकते हैं। लाइक सूर्य किरण युद्धाभ्यास, ये होता है भारत और नेपाल के बीच। तो सूर्य किरण, सूर्य की किरण कहाँ से निकलती है, सूर्य की किरण कहाँ से निकलती है, तो आप देख सकते हैं, तो सूर्य की किरण जिस दिशा से निकलती है उस दिशा में आप नेपाल को रख सकते हैं, ठीक है। घुमंतु हाथी युद्धाभ्यास, तो हाथी, सफ़ेद हाथी, और हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी ज़्यादातर थाईलैंड में पाए जाते हैं, लेकिन हाथियों की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है मंगोलिया में। तो घुमंतु हाथी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की है मंगोलिया के साथ, ठीक है। मैत्री युद्धाभ्यास, ये थाईलैंड के साथ हमारी है, तो यहाँ पे इसको आपने एक बार देख लेना है, क्योंकि सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मंगोलिया के साथ, मंगोलिया के साथ घुमंतु हाथी है मंगोलिया में। सामान्य हाथी जो ब्लैक हाथी है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो थाईलैंड के साथ हमारा है मैत्री युद्धाभ्यास। इसको याद आप कैसे रखते हैं, रख सकते हैं हाथी मेरे साथी, ठीक है, हाथी मेरे साथी, मैत्री मतलब साथी, ठीक है। तो थाईलैंड में पाया जाता है, थाईलैंड के साथ हमारा युद्धाभ्यास है
मैत्री, इंद्र युद्धाभ्यास, इंद्र युद्धाभ्यास युद्धाभ्यास यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की रूस के साथ है, संप्रीति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की बांग्लादेश के साथ है, और धर्म रक्षक युद्धाभ्यास भारत की जापान के साथ है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है, हाथों में हाथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी है चाइना के साथ, तो हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड, इंडिया चाइना के बीच ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथ या शक्ति युद्धाभ्यास हमारा है भारत का फ्रांस के साथ, हिम विजय युद्धाभ्यास, तो स्नो विक्ट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की है चीन के साथ। तो आप देख सकते हैं ये इंडिया का जम्मू कश्मीर है, यहाँ से ऊपर क्या है, बर्फ ज़्यादातर होती है, और इसके बाद आपका चाइना पड़ता है, तो हिम विजय युद्धाभ्यास है हमारा चाइना के साथ। चांग तांग युद्ध अभ्यास ये हमारा है चीन के साथ, तो हिम विजय चांग थांग ये किसके साथ है, चीन के साथ। टाइगर ट्रंप त्रि सेवा पूर्व ये भारत और अमेरिका के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज है। मानव पूंजी सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, भारत का स्थान 115वां इसमें रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और भारत का स्थान रहा 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है या ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा, और भारत का स्थान 140 रहा है, और बहुत स्थान इसका गिरा है। इसका कारण एक रहा था गौरी लंकेश की हत्या, और जो आपके मीडिया का डिवाइड हो गया था दक्षिण पंथ वर्सेस वाम पंथ, उसकी वजह से भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान गिरता रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है अर्थशास्त्र और शांति के लिए संस्थान द्वारा, और भारत का स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर रहा 141। विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और भारत का स्थान इसमें रहा 80वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, और भारत का स्थान रहा 108वां। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्देल फतह अल सीसी। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका अफ्रीकी संघ एक टॉपिक के तौर पे लगा है, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्देल फतह अल सीसी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। आतंकवादी विरोधी दिवस, तो आतंकवाद एक टॉपिक लगा है इंटरनेशनल रिलेशन में, आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो आतंकवाद विरोधी दिवस राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई को आतंकवादियों ने, लिट्टे आतंकवादियों ने उनकी
हत्या कर दी थी, तो ये 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि राजीव गांधी की हत्या लिट्टे आतंकवादियों ने की थी या खालिस्तान की मांग कर रहे, तो इसको एक बार आपने देख लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर इसको बता दूंगा। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 22 मई को, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये 22 मई को मनाया जाता है। शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के कारण कि गांधी जयंती तो पीस के लिए जाने जाते हैं, शांति के लिए, तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय शांति दिवस आप कह सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। भारत में जीरो बेस बजटिंग का प्रयोग सबसे पहले किया गया था अप्रैल 1987 को। भारत ने किस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, तो ये 1948 की जो औद्योगिक नीति थी इसके अंदर हमने क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, यानी हम पूंजीवाद को भी और समाजवाद को भी दोनों को साथ लेके चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा लगाया गया, तो ये थे दादा भाई नौरोजी जिनके द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार द्वारा कब अपने अधीन किया गया, तो रिजर्व बैंक को भारत सरकार ने अपने अधीन किया था 1948 में, तो ये पहले एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक हुआ करता था, 1948 के बाद इसे गवर्नमेंट सेक्टर में मिलाया गया। जुलाई 1991 में रुपए का प्रतिशत से अवमूल्यन किया गया, तो 20% से पहली बार एक ही बार डेप्रिसिएशन किया गया है रुपए का, तो वो है 20% से 1991 में। इसका कारण क्या था, आर्थिक मंदी और एक तरीके से इमरजेंसी लगने वाली थी भारत में, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उससे बचने के लिए भारत में क्या है रुपए का अवमूल्यन किया गया, मात्र एक बार अभी तक रुपए का अवमूल्यन किया गया है। अवमूल्यन का मतलब होता है अगर पहले 100 रुपीज़ किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ एक नोट की कीमत 100 रुपीज़ थी, उसकी कितनी रह गई 20% माइनस कर लो आप 80 रुपीज़। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, काले धन के उन्मूलन के लिए, काले धन के खात्मे के लिए चेलैया समिति का गठन किया गया है भारत सरकार द्वारा। काली क्रांति का संबंध किस चीज़ से है, यह है कच्चे तेल के उत्पादन से, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से रिलेटेड संबंध है काली क्रांति का। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन का डाटा जारी करता है। भारत में 1687 में स्थापित पहला नगर निगम कौन सा था, तो भारत में 1687 में मद्रास नगर निगम स्थापित किया गया था। स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है, ये बायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट। दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत को औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से सत्र में स्वीकारा गया, तो कोलकाता सत्र 1896 में इसे स्वीकारा गया था। कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित था, तो यह था अवध का क्षेत्र जो कि
1857 की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था? कौन भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन था? तो भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है मद्रास लेबर यूनियन को। किसने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी थी पहली बार। किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम की शुरुआत की? तो ये थे लॉर्ड लिटन। और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम क्या था? इसने क्या किया था, प्रेस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे और इंडिपेंडेंट पत्रकारिता को इसने चैलेंज किया था और बहुत से लोगों को जेल में भी इसके द्वारा डाला गया था और इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।